परसों थोड़ा शांत रहे, बोलिए सर, बोलिए बोलिए। दंतेवाड़ा एसपी को गोपनीय सूचना के आधार पर नक्सली की सूचना मिली और उस आधार पर यहाँ से हमारे डीआरजी जवान के दो टुकड़ियाँ गई थी। घटना स्थल पे एक नक्सली, नक्सलियों के साथ मुठभेड़ हुआ, एक नक्सली घायल हुआ और एक नक्सली को पकड़ लिए और घायल नक्सली और जो जिन्हें गिरफ्तार किया गया था उसको लेकर वापस आ रहे थे और एरनपुर के पास आईडी ब्लास्ट हुआ। इसमें 10 हमारे डीआरजी के जवान और एक सिविलियन की शहादत हुई। हमारे जो जवान हैं वो लड़ते हुए, क्योंकि वो सूचना के आधार पर गए थे और उन्होंने नक्सली को घायल भी किया था और लौट रहे थे और उस समय ये घटना घटी जिसमें 10 जवानों की शहादत हुई, हमारे डीआरजी के एक सिविलियन की हुई है। मैं उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि देता हूं, उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं और हमारे जवानों ने लड़ते हुए अपने प्राणों की आहुति दी है। ये शहादत बेकार नहीं जाएगी बल्कि और तेजी के साथ ये लड़ाई और लड़ी जाएगी। जहाँ भी नक्सली की होने की सूचना मिलेगी हमारे जवान अब घेर के उनके साथ मुठभेड़ कर रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं और साथ ही साथ जो समर्पण करना चाहते हैं उसके लिए समर्पण की नीति, और यदि लड़ते हैं तो फिर हमारे जवान पीछे नहीं हटे। पिछले समय की भी घटना आप देखेंगे, लड़ते हुए हमारे जवान शहीद हुए थे, जितने हमारे जवान शहीद हुए उससे ज़्यादा नक्सलियों को नुकसान हुआ था। अभी भी हमारे जवान लड़ते हुए शहीद हुए हैं, मैं उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। सीएम साहब, आज आपकी आंखों में कमिटमेंट